चलिए जीएस की क्लास संविधान और जीआईसी और अन्य परीक्षाओं के लिए और विशेष रूप से उच्च शिक्षा और जीआईसी इन तरह की जो क्लासेज होती हैं मतलब कुल मिला जुला के जो बड़े बच्चों के लिए जो क्लास है उसी को लेकर के हम लोग संदर्भित करके क्लास को चला रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि मैं ग्रुप बना दूंगा, तो कल मैंने ग्रुप बना भी दिया था और कल मैंने जो पढ़ाया था उसके करीब 28-29 क्वेश्चंस भेजा भी था मैंने, उसमें कुछ लास्ट में मौलिक कर्तव्य के भी क्वेश्चंस थे ना, तो क्वेश्चंस मैंने भेजा था। क्वेश्चंस आपका शुरुआत मैंने कर दिया था, ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया था, जितने लोगों का नाम मुझको मिला था मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, ठीक, अब हम लोग आगे आज पढ़ना शुरू करेंगे। आपातकाल ना, आपातकाल पे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो चलिए आपातकाल पे पढ़ते हैं। और आपातकाल पर आर्टिकल आई थिंक आप लोग याद कर चुके थे, और अब जैसे कुछ लोगों को कल लग रहा था कि आपातकाल खत्म हो गया, आपातकाल खत्म नहीं हुआ, आपातकाल अब शुरू होगा, आपातकाल शुरू होगा। चलिए अब आपातकाल पे हम लोग बात करते हैं और आपातकाल पढ़ते हैं। चलिए अब हमारा जो शुरुआत होगा वो आपातकाल, ये आपातकाल, यहां से कहानी आपको शुरू करना है आपातकाल ना। तो आपातकाल अगर भाग देखा जाए तो भाग 18 352 से 360, ये हमारा आपातकाल का। अगर सबसे पहले बात किया जाए तो एलिमेंट्री स्तर पर किया जाए कि हम ये देखते हैं कि आपातकाल का सोर्स कहाँ से है, आपातकाल का सोर्स कहाँ से है। देखिए आपातकाल के जो कुछ प्रावधान हैं वो कुछ प्रावधान आपके लिए गए हैं 1935 के एक्ट से, कुछ लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से और कुछ लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, जैसे आर्टिकल 360 ये। तो यानी यहाँ पर क्या होगा कि पहले हम लोगों ने एक छोटा सा चीज देखा, छोटा सा तत्व देखा कि आपातकाल का सोर्स क्या है। तो आपातकाल का सोर्स 1935 का एक्ट है, आपातकाल का सोर्स जर्मनी का संविधान है और आपातकाल का सोर्स अमेरिका से। तो ये 1935 के प्रावधान से भी कुछ लिया गया है, जर्मनी के भी प्रावधान से लिया गया और अमेरिका के प्रावधान से भी लिया गया है ना। आपातकाल का परिभाषा एकदम सिंपल है, एक ऐसी आपात किसको कहते हैं, एक ऐसी असामान्य स्थिति या सामान्य के विपरीत की स्थिति की परिकल्पना संविधान में की गई है। तो सामान्य के विपरीत की परिकल्पना ही आपातकाल है, सामान्य के विपरीत की जो परिकल्पना है वो परिकल्पना ही क्या है, वही आपका वो आपातकाल है। तो परिभाषा कुछ बहुत टिपिकल नहीं, परिभाषा पर एकदम सिंपल सा बात हो गया। मेन चीज है कि सोर्स क्या हुआ, सोर्स हमने बता दिया। अब हम लोग अगला पेज पर जो देखेंगे वो देखते हैं कि जो आपातकाल है, ये आपातकाल, नेक्स्ट पॉइंट, जो आपातकाल है इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। ठीक है, इसका वर्गीकरण तीन भागों में किया जाता है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और तीसरा वित्तीय आपात। ये है वित्तीय आपात, ये राष्ट्रीय आपात है, ये राजकीय आपात है
तीसरा वित्तीय आपात है, ठीक है। अब जो राष्ट्रीय आपात है, एक ही कर को हम लोगों को डिटेल करना है। राजकीय आपात 352 में, फिर राजकीय आपात 356 में, और वित्तीय आपात 360। ये 352, 356, 360। अब हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। पहले आइए राष्ट्रीय आपात, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रीय आपात, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात का अर्थ क्या हुआ। राष्ट्रीय आपात का अर्थ क्या हुआ, राष्ट्रीय आपात का अर्थ क्या हुआ? तो राष्ट्रीय आपात का अर्थ क्या हुआ कि राष्ट्र में या राष्ट्र के किसी भाग में, कुछ जरूरी नहीं है कि पूरे राष्ट्र में लगे, राष्ट्र में या राष्ट्र के किसी भाग में लगने वाला जो आपात है उसी को राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। क्षेत्र देखिए इसका, क्या बोला मैंने कि या तो राष्ट्र में लगा या तो जो राष्ट्र है उसके किसी पार्ट में लगे, ये राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ आएगा। तो राष्ट्र में भी लग सकता है और राष्ट्र में किसी भाग में भी लग सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आपात है। अब ये जो राष्ट्रीय आपात है इसका आधार क्या है, राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आपात के तीन आधार हैं। पहला युद्ध है, दूसरा बाह्य आक्रमण है, तीसरा ये आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति। ये तीन आधार है, किस किस आधार पर? युद्ध के आधार पर, बाह्य आकार के आधार पर। ये जो आंतरिक अशांति है अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978, इस शब्द के स्थान पर अब क्या है, सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान है, यानी इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसके स्थान पे क्या है जी, 1978। इस आधार पे इसके आधार कितने हो गए, बेस हो गए तीन। जब इन दोनों आधार पे लगेगा तो इसको बाह्य आपात कहते हैं, बाह्य आपात कहते हैं। और इसके आधार पे लगेगा तो ये आंतरिक आपात कहते हैं। तो ये आपात को हम दो तरह से, इस तरह से बांट भी सकते हैं, ये बाह्य आपात क्या है और ये आंतरिक आपात क्या है, ठीक है। बाह्य आपात क्या है, आंतरिक आपात क्या है। फिर से देखिए, यहां हमने आपको ये छोड़ समझाया अर्थ क्या है, फिर हमने क्या समझाया आपको, आधार क्या है, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, हाँ। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जब होगा तो बाह्य आपात होगा, और आंतरिक के आधार पर होगा तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर होगा तो आंतरिक। मूल संविधान में आंतरिक अशांति साहब, इसकी जगह पे क्या आ गया है, ये सशस्त्र विद्रोह हो गया है। इस यहाँ पर टर्म जो हो गया, पदावली जो हो गई वो चेंज हो गई, जो पद हो गया वो चेंज हो गया ना। इसमें देख लीजिए जल्दी से, कोई चीज़ दिक्कत हो तो, बहुत अच्छे सब टॉपिक है ये सब, कोई भी चीज़ का दिक्कत हो तो आप उसको पूछ लीजिए।
देख लीजिए ये अर्थ क्या हुआ, इसका आधार क्या है, इस आधार पे हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, बाह्य आपात क्या है और आंतरिक आपात क्या है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं हम लोग कि जो ये आपातकाल है, जो ये आपका राष्ट्रीय आपात है, इस राष्ट्रीय आपात की प्रक्रिया क्या है, इस राष्ट्रीय आपात की प्रक्रिया क्या है। पहला, इसको राष्ट्रपति लगाएगा, राष्ट्रपति इसको इंपोज करेगा, लगाएगा इसको, लेकिन ये शर्त है वो कैबिनेट, कैबिनेट क्या करेगा, इसकी लिखित सूचना देगा, कैबिनेट इसकी लिखित सूचना देगा तभी लगाएगा, कैबिनेट इसकी लिखित सूचना देगा तब लगाएगा, 1/10 सदस्यों का पूर्व हस्ताक्षर होगा, पूर्व हस्ताक्षर होगा ना, तब ये लगाया जाएगा। दूसरा, इसको संसद में प्रत्येक से 2/3 में 1 महीने के अंतर्गत, महीने के अंतर्गत इसको क्या कराना पड़ेगा, इसको पारित कराना पड़ेगा, ये पारित कराना पड़ेगा। फिर से देखिए प्रक्रिया, राष्ट्रपति के हाथों में सुरक्षित है, लेकिन ये कैबिनेट को सूचना पे ही देगा, इसका विवेकाधिकार नहीं है ना, ये इसका विवेकाधिकार नहीं है। 1/10 सदस्य पहले से हस्ताक्षर करेंगे और संसद के 2/3 के सदस्यों से इसको क्या करना पड़ेगा, उसको पारित कराना पड़ेगा 1 महीने के अंतर्गत। इसको समाप्त करने की जो प्रक्रिया है, तो समाप्त करने की प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है, और जो समाप्त करने की प्रक्रिया है वो आसान है, सिर्फ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा के माध्यम से, ये राष्ट्रपति एक उद्घोषणा के माध्यम से इसको समाप्त कर सकता है। तो लगाने की प्रक्रिया जो है वो जटिल है, लगाने की प्रक्रिया जो है जटिल है, और हटाने की जो प्रक्रिया है वो सिंपल है, यानी कि सरल है, ये चीज है। ठीक है, तो देख लीजिए कि लगाने की प्रक्रिया में क्या होगा ना, लगाने की प्रक्रिया में क्या होगा और हटाने की प्रक्रिया में क्या होगा, दोनों प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, उसी चीज को आपको समझना है। ठीक है, ठीक, चलिए अब ये देखते हैं हम लोग कि जो राष्ट्रीय आपात है उसकी बारंबारता कितनी बार है, बारंबारता कितनी बार है। ठीक है, इसकी बारंबारता जो है 3 बार है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, देखिए 1962 भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई, वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई वो, और 1975-77 ये इंटरनल आधार पर, आंतरिक आधार पर, ये 3 प्रकार से है। ठीक है, 3 प्रकार से ये होता है। ये जो लगा था वो 62 से 68 तक,
62 से 68 तक, और ये लगा 1971, ये 75, तब तक ये कंटिन्यू हो गया, तो पूरा ये रह गया 1975 से 77, ये पूरा, ठीक है। तो ये तीन बार लगा, चीना युद्ध, चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, और ये आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा, बारंबारता, बारंबारता मतलब कितनी बार, बारंबारता मतलब स्वतंत्रता से लेकर कितनी बार, बारंबार, हाँ, बारंबार का मतलब क्या हुआ कि कितनी बार, स्वतंत्रता से लेकर के, स्वतंत्रता से लेकर अब तक तीन बार लगा, 62 में, 71 में, 75 और 77 में, 75 और 77 में, तो भारत चीन युद्ध के विरुद्ध 62 में, 71 से 75 में, 75 से 77 में, ठीक है। 2/3 क्या है, 2/3 मतलब जितने उपस्थित सदस्य होंगे उनकी कुल 2/3, जैसे 100 है तो 2/3 उसका कितना हो गया 66, तो उतने परसेंट लोग जब वोटिंग देंगे तभी वो पास होगा, नहीं तो नहीं पास होगा। ये जो होगा, ये बारंबारता का क्या मतलब है, ये देखिए कितनी बार का क्या मतलब है, ये देखिए, ठीक है। तो ये 62, 71, 75 और 77, ये तीन बार लगा। चलिए अब अगला देखते हैं, सब प्रभाव, प्रभाव, ठीक है। इसका जो प्रभाव हम लोगों ने देखा था, तो प्रभाव देखा था कि प्रभाव 353, इसके प्रभाव की व्याख्या करेगा, ठीक है, प्रभाव की व्याख्या करेगा। फिर 354 भी इसके प्रभाव की व्याख्या करेगा, 355 भी इसके प्रभाव की व्याख्या करेगा। 354 में ये बताया गया है कि राजस्व का वितरण कैसे होगा, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये संघ के कर्तव्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताया गया था। फिर ये बताया गया था कि मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुच्छेद 358 ये बताता है कि आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर आर्टिकल 359 क्या बताता है कि 20-21 ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, और शेष जो होगा वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा, शेष जो होगा वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा। फिर से देखिए 353 में प्रभाव, केंद्र और राज्य के राजस्व वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 54 में ड्यूटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 55 में, 59-58 ये बताता है कि 19 स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगा, और 59 ये बताता है कि 20-21 कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, शेष राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा। हाँ ठीक है, इसी दौरान क्या होगा कि अगर लोकसभा है तो लोकसभा के कार्यकाल को हम बढ़ा के 5 साल से 6 साल कर सकते हैं, इसका कार्यकाल बढ़ा के 6 से 7 साल कर सकते हैं, 6 से 7 साल, सॉरी 6 से 7 साल कर, 5 से 6 साल, 1 साल बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष इसमें वृद्धि होगी। एक वर्ष इसमें वृद्धि होगी। देखिए पीछे से हम पूरा समझा दे रहे हैं आपको, आप उसको देखते जाइए।
आपातकाल का वर्गीकरण तीन भाग में, राष्ट्रीय, राजकीय, वित्तीय आपात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसका आधार, कितने आधार हैं? तीन आधार हैं। युद्ध हो सकता है, वाह्य आक्रमण हो सकता है, तो युद्ध और वाह्य आक्रमण के आधार पर होगा तो इसको वाह्य आपात कहते हैं, और अगर आंतरिक अशांति पे होगा तो उसको आंतरिक आपात कहते हैं। वर्तमान में आंतरिक स्थान किसने ले लिया है? सशस्त्र विद्रोह ने ले लिया है, सशस्त्र विद्रोह से ले लिया। तो यानी तीन आधार पर ये होगा, कि तीन आधार पर आप इसको कर सकते हैं, तो ये वहां पर किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, कि आधार हमारा क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ये राष्ट्रीय आपात के लगाने की प्रक्रिया, कैबिनेट लिखित सूचना देगा, 1/10 का पूर्व हस्ताक्षर होगा, और संसद उपस्थित सदस्यों की 2/3 से 1 महीने के अंदर पारित करेगी। तब ये जो समाप्त करने की प्रक्रिया है सिंपल है, राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा इसको समाप्त कर सकता है, राष्ट्रपति इसको उद्घोषणा के द्वारा समाप्त कर सकता है। फिर देखिए कितनी बार लगा है, तीन बार, 62 में, 71 में, 75, 77 में। ये 62 हो गया, ये 71 हो गया, ये 75 से 77 हो गया, ये महत्वपूर्ण है। तो ये इस तरह से आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रभाव पूछा है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ सकता है। प्रभाव की व्याख्या पूछेगा तो 53 में, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस समय केंद्र सरकार राजस्व संबंधित कोई भी दिशा निर्देश देगी, राज्य उसको मानेगा। संघ की ड्यूटी जो होगी वो क्या होगी उसके बारे में 55 में कहा गया। 58 में ये कहा गया कि 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा, शेष राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, शेष राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। नहीं, अब थोड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था तो देख लीजिए एक आध बार, कोई भी चीज और दिक्कत हो समझने में तो पूछ लीजिए। देख लीजिए आप लोग कोई और, जितना चीज बताया आपको ना उसको ध्यान से देखिए, और कोई चीज जैसे ना समझ में आ रही है तो उसको एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण है, आता रहता है, और कुछ टिपिकल बहुत नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ टिपिकल है। प्रभाव, जिस जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, चलिए उसको उस तरह से नहीं समझाते हैं, सिंपल तरीके से समझाते हैं। जैसे लोकसभा नॉर्मली 5 साल की होती है तो इसको 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष बढ़ सकता है। जैसे केंद्र है और राज्य है, ठीक है, केंद्र है और राज्य है, तो केंद्र अपना करता है, राज्य अपना करता है, लेकिन अब केंद्र राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है, राज्य सूची पर कानून बना सकता है ना, राज्यों को इस संबंध में कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है, राज्यों को मानना पड़ेगा, राज्यों को राजस्व से संबंधित भी कोई दिशा निर्देश दे सकता है, राज्यों को यहां पर मानना ही पड़ेगा। हाँ, तो केंद्र के पास कह सकते कि इस समय केंद्र क्या है, केंद्र एक तरह से एकात्मक शक्ति के रूप में काम करेगा,
एकात्मक शक्ति के रूप में काम करेगा, मतलब एक उसके पास वो एक तरह से क्या होगी, वो उसी के पास सारी शक्तियां केंद्रित हो जाएंगी। फिर क्या कहा गया, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फंडामेंटल राइट पे। तो ये कहा गया कि जैसे ही ये लगेगा अनुच्छेद 19 बोलना नहीं पड़ेगा, ये आपका स्वतंत्रता समाप्त, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आपकी समाप्त हो जाएगी, काम खत्म। फिर ये कहा गया कि किसी भी स्थिति में पूछेगा कौन सा अनुच्छेद जो कभी समाप्त नहीं होगा मौलिक अधिकारों में, 20-21 हमेशा बना रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। बाकी जिस अनुच्छेद को समाप्त करना होगा तो राष्ट्रपति लिख करके देगा कि ये अनुच्छेद समाप्त होगा या अनुच्छेद नहीं समाप्त होगा। तो बाकी क्या है, राष्ट्रपति की इच्छा, राष्ट्रपति की सूचना पर निर्भर करेगा। उसको मैंने चले और सिंप्लीफाई कर दिया, हाँ उसको मैंने और थोड़ा सा सिंपल तरीके से कर दिया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह पे 6 साल, केंद्र एक तरह से राज्य पर हावी हो जाएगा, राज्य सूची पर कानून बना सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है, राजस्व के निर्देश दे सकता है। फंडामेंटल राइट में यह है कि 19 अपने आप स्वतंत्र समाप्त हो जाएगा, 20-21 का भी समाप्त नहीं होगा, शेष राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा। ये मैंने उसको सिंपल गोइंग आपको समझा दिया। अब देखिए इसको समझना ही है आपको, आपको चूंकि ये महत्वपूर्ण मैटर है तो जहां पे थोड़ा कम महत्वपूर्ण हुआ स्पीड तेज किया जा सकता है। देख लीजिए जो लोग भी जुड़े हैं, नए भी जुड़े हैं, अपना देख लीजिए कि समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। अब आप लोग लफड़ा क्रिएट कर रहे हैं, मौलिक अधिकार पूरा पढ़ चुके हैं तो 20-21 में क्या है तो आप जानना पड़ेगा ना, 20-21 में क्या है, 20 में है अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इक्कीस में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, नंदिनी जी पहले पढ़ा नहीं है मौलिक अधिकार आप लोगों ने, आर्टिकल आपको पढ़ाया जा चुका है। चलिए अब दूसरा क्लासिफिकेशन आई राज्य में आपात, राज्य में आपात 356, अब प्रभाव उसका 357, 356, 357। ठीक है, अभी जो राज्य में आपातकाल है वो कौन लगाएगा, राज्यपाल लगाएगा, राज्यपाल लगाएगा, लेकिन किसके नाम पर लगाएगा, किसके नाम पर लगाएगा, राष्ट्रपति के नाम पर लगाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, ये कौन सा शासन है, ये राष्ट्रपति शासन। तो पहला एक छोटा सा चीज समझ लेना है कि इसको राष्ट्रपति शासन क्यों कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति शासन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर लगाएगा। बस अंतर क्या है 352 में, कि जब राष्ट्रपति लगाएगा, जब राष्ट्रपति लगाएगा तो कैबिनेट के सुझाव पे लगाएगा, कैबिनेट के सुझाव पे लगाएगा, और जब 356 लगेगा तो इसका विवेकाधिकार है, विवेकाधिकार है यानी उसके विवेक पर निर्भर करता है। दो विवेक के भी आधार होते हैं, दो आधार होते हैं, एक सरकार संवैधानिक अनुसार से नहीं चल रही है, दूसरा इसका जो प्रशासन है या जो प्रशासनिक मशीनरी है वो फेल हो गई,
इसको बोलते हैं प्रशासनिक मशीनरी ठप्प हो जाना इन दोनों आधारों पर। लेकिन समस्या ये है कि ये जो विवेकाधिकार है इसमें पूर्वाग्रह भी तो हो सकता है, ये बहुत समस्या क्रिएट करता है। ये जो है बहुत पूर्वाग्रह क्रिएट हो सकता है। तो यहां पर ये जो राष्ट्रपति है इसीलिए इसमें बड़ा विवाद रहता है कि 356 में करता है, लेकिन यहां पर वो कैबिनेट वगैरह से बंधा हुआ नहीं हुआ है, वो अपनी स्वयं से करेगा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम विवेकाधिकार कहते हैं, जिसको हम विवेकाधिकार कहते हैं। तो ये विवेकाधिकार की प्रणाली है, ये जो विवेकाधिकार है इस तरह से हम देख सकते हैं कि विवेकाधिकार जो है कैसे काम करेगा। लेकिन विवेकाधिकार क्या है, वो भी पूर्वाग्रह से युक्त हो सकता है। अब वो अगर पूर्वाग्रह से युक्त होगा तो समस्या आएगी, वो अगर पूर्वाग्रह से युक्त होगा तो समस्या आएगी, वो समस्या आई, जब आएगी तो वही चीज तमाम तरह का अव्यवस्था को जन्म देती है। इसकी भी प्रोसेसिंग वही है कि इसको भी संसद से पारित कराना पड़ेगा, संसद से इसको पारित कराना पड़ेगा, और इसको पारित कराने के लिए 2 महीने का समय दिया गया, 2 माह का समय दिया गया, 2 माह का समय दिया गया, 2 माह का समय दिया गया। ये जो राज्य में आपात होगा राज्य में जो आपात है उस आपात की एक लिस्ट होगी, सूची होगी, जो स्टेट टू स्टेट होगी। ये लिस्ट हम आपको भेज देंगे कब कब कहां पर कितने आपातकाल लगे, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें आती रहती हैं उसको आपको नोट करवाते हैं ना, उसको नोट कर लीजिए, उसको आप नोट कर लीजिए। पहली बार आपात लगा पंजाब, ना सर्वाधिक समय तक रहा, सर्वाधिक समय तक रहा ये भी पंजाब, सबसे कम समय रहा कर्नाटक, लगभग 1 सप्ताह, सबसे अधिक बार कहां पर 12 बार था मणिपुर, 10 बार यूपी, 9 बार तो सबसे अधिक इसी के। पहली बार पूछेगा तो पंजाब में, सर्वाधिक समय पूछेगा तो पंजाब में, कम समय पूछेगा कर्नाटका में, 12 बार पूछेगा मणिपुर, दूसरे नंबर पूछेगा यूपी, 9 बार, 10 बार या 9 बार।
विवेकाधिकार, विवेकाधिकार का मतलब कि ऐसा अधिकार जो आपके विवेक पर निर्भर करे। विवेक किसको कहते हैं ना, बुद्धि की ऐसी कार्यशील इकाई ना जो सही और गलत का निर्णय ले पाए। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाती हैं। निर्णय लेने वाली जो इकाई होती है उसको विवेक कहा जाता है। लेकिन विवेक का भी आधार होता है और विवेक में भी पूर्वाग्रह हो सकता है, विवेक का आधार होता है और विवेक में भी पूर्वाग्रह हो सकता है। तो वहां पर जब पूर्वाग्रह हो जाएगा तब विवेक कोई उस शब्द का मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह है, जो राज्यपाल मुखिया है, मुखिया है तो वो चाहे तो कंडीशंस की व्याख्या कर सकता है कि भाई यहाँ पर लगाने लायक है कि नहीं है। से एक बार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रोमेश भंडारी राज्यपाल हुआ करते थे, उसमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। उसके बाद भी उन्होंने उठा करके उसको बर्खास्त कर दिया, जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया एक दिन के लिए। फिर यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनको प्रूफ तो करने दो, पहले मेजॉरिटी कोई चीज़ होना चाहिए तो फ्लोर पे तो होना चाहिए, फ्लोर पे आप करने नहीं दिए कुछ। फिर वहाँ पर बीजेपी सरकार को प्रूफ करने का मौका मिला, बीजेपी सरकार ने प्रूफ किया और फिर जगदम्बा पाल को छोड़ना पड़ा पद। लेकिन वहाँ पर जो डायलमा हुआ या ड्रामा हुआ ना, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था, जो विवेक था वो अपना आधार खो चुका था। ये तो जैसे लग रहा था कि पिछले जन्म में क्या हुआ कि लोग रावण और सीता रहे होंगे, रावण को, रावण ने सीता जी से वचन लिया था या सीता जी ने उसको वचन दिया था कि मैं एक बार तुम्हारे पास आऊँगी लंका में, और आऊँगी तो रहूँगी ना। तो वही रहा होगा कि पिछले जन्म में कि वादा है कि भाई आपके पास बहुमत हो चाहे ना बहुमत हो, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे ना, हम वादा करते हैं। तो पिछले जन्म का वादा इस जन्म में निभा दिया गया। लेकिन उससे क्या होता है, जब पदों का दुरुपयोग होता है तो उसका महत्व तो थोड़ा घटता है ना। किसी भी पद का जो महत्व दुरुपयोग होगा तो उसकी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा घटती है। तो अगर ये विवेकवान प्राणी रहे तब तो सही है, लेकिन समस्या क्या है, बुद्धि वाले 1,000 वाले 1,000 लोग मिल जाएंगे, विवेक वाले 2-4 मिल जाए वही बहुत है ना। अब बुद्धि नहीं, सारी समस्याओं को जन्म जो है बुद्धि ने दिया है, बुद्धि नहीं ढेर सारी समस्याओं को जन्म दिया है। तो विवेकशील प्राणी चराचर में कम मिलेंगे और बुद्धिमान प्राणी, तो बुद्धिमान तो सब बहुत हैं, बहुत अधिक बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, बुद्धिमान लोगों की प्रचुरता है, लेकिन विवेकशील लोगों की समस्या है। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे अधिक बार मणिपुर, यूपी दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा वर्गीकरण देखिए, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 पहले ये देखिए, सोर्स कहाँ से है, स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो जो स्रोत लिया गया है वो कहाँ से, ये अमेरिका से, सोर्स अमेरिका से। इसका अर्थ क्या है, एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकार को भुगतान संतुलन की
की समस्या उत्पन्न हो, की समस्या उत्पन्न हो, यानी विदेशी लेन देन का उसको खतरा उत्पन्न हो, विदेशी लेन देन का खतरा उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति को वित्तीय आपात कहते हैं। इस समय सरकार किसी का भी वेतन रोक सकती है, वेतन में कटौती कर सकती है, अन्य चीजों में भी कटौती कर सकती है, ठीक है। 1949 से लेकर के और 2021 तक आज तक इसको एक भी बार लगाया नहीं गया। ये वित्तीय जो आपात है उसका कॉन्सेप्ट आज तक कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। ये सोर्स कहाँ से है, अर्थ क्या है और इसकी बारंबारता क्या है, तो बारंबारता इसकी शून्य बार है। उन दोनों का स्रोत कोई दिक्कत नहीं, उन दोनों का दोनों जो स्रोत होगा वो दोनों मिलके 1935 और जर्मनी दोनों, वो उन दोनों का 352-56 का ये वित्तीय आपात और उसकी प्रक्रिया, वित्तीय आपात और उसकी प्रक्रिया। ठीक है, देख लीजिए। तो ये आपका आपातकाल क्लियर हो गया। एक सूची मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, जिसमें कितने राज्यों में कितनी कितने बार लगे उसकी लिस्ट भी रहेगी, तो उसको आप कहीं कॉपी पे नोट कर सकते हैं, कॉपी पे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ऐसे मान लीजिए सिंपल से पूछ लिया कि वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है, सिंपल राष्ट्रपति करेगा। इसको भी पारित कराना होगा तो दो महीने के भीतर इसको पारित कराना होगा, दो महीने के भीतर इसको पारित कराना पड़ेगा। सुबह आपने मैसेज किया होगा, कल मैंने 10-11 लोगों को जो किया था मैंने किया था, अभी थोड़ी देर में उस पर बात करते हैं ना, पहले अभी पढ़ लीजिए तो फिर उस पर बात करते हैं। हाँ, बस ग्रुप बन गया ना, मैं करंट भी आपको भेजा करूँगा, क्वेश्चन का करंट भी, क्वेश्चन आपको 10-10 क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन करंट भी आपको मिलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। देखिए 10-11 लोग जो कल भेज दिए थे वो मैंने जोड़ दिया है, और कुछ लोग अभी नहीं भेजे थे, आज जो भेजे होंगे आज शाम को फिर जोड़ जाएंगे। चलिए, यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने 352-360 उसकी पढ़ाई कर ली, कि 352-360 क्या है, हाँ उसमें आता भी रहता है। ये हो गया वित्तीय आपात, हो गया आपका, सूची में बना के दे दूंगा, आप राज्य लिखा होगा आप लिख दीजिएगा उसमें। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक आपका है, ये है दल बदल, दल बदल, ठीक है। दल बदल के बारे में दो संविधान संशोधन है, एक है 52वां 1984-85, एक है 91वां। दो हजार तीन तो पहले ये संशोधन किया गया, फिर ये संशोधन किया गया।
इसमें ये कहा गया कि अगर 1/3 से अधिक होगा तभी मान्य होगा। जैसे अगर 60 लोग पार्टी में हैं, अगर 20 सांसद या 20 से अधिक सांसद छोड़ेंगे तभी मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी स्थिति में जिससे आपने चुनाव है लड़ा है अगर छोड़ेंगे तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, सदस्यता आपकी समाप्त हो जाएगी। दूसरा कि आपको अगले 6 महीने तक किसी सार्वजनिक महत्व पर नहीं रखा जाएगा, सार्वजनिक महत्व पर नहीं रखा जाएगा। हाँ, ये फैक्चुअल चीज हो गई। अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देखिए क्या है दल बदल। क्या है दल बदल? एक ऐसी विशेष मानसिक स्थिति है जो स्वार्थों से परिचालित होकर के एक पक्ष को छोड़कर के दूसरे पक्ष में पहुंचती है, तो उसी को दल बदल कहते हैं। क्योंकि दल बदल की प्रकृति एक नकारात्मक प्रकृति है, ये अगर दल बदलने से परिवार भी अस्थिर हो सकता है आपका ना, फिर आपका घर भी अस्थिर हो सकता है, तो उसी तरह से देश भी अस्थिर होता है। देश वैसे भी दल बदलुओं से ही परेशान है। दूसरा, दल बदलुओं की निष्ठा फिर किसी ना तो पार्टी से है ना, ना तो पार्टी से है, ना तो किसी देश के विकास से है। उनका बस अपना स्वार्थ जो होगा वही पूर्ति करने का माध्यम होगा। तो ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों को फिर समाज में कह सकते बहुत प्रतिष्ठित नहीं रहना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप हारे हुए दल में हैं कि जीते हुए दल में हैं। विभीषण जीते हुए दल में थे लेकिन उन्होंने दल बदला था, इसलिए उनकी बहुत प्रतिष्ठा समाज में नहीं है। भीष्म पितामह हारे हुए दल थे ना, लेकिन उन्होंने दल नहीं बदला था, तो उनको क्या हुआ समाज में? अभी भी हम लोग कसम खाते हैं तो उनके नाम पर खाते हैं। तो दल बदल क्या है? एक वैचारिक प्रक्रिया है। प्रेमचंद्र ने इसी को सामाजिक संबंधों पर क्या लिखा है? सामाजिक संबंधों पर ये लिखा है कि जो एक का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। ये तो आपकी प्रक्रिया है ना, मानसिक स्थिति है कि आज आप एक पार्टी में हो कल आप दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो इसकी गारंटी क्या है कि आप तीसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। जो एक से दूसरे का हुआ वो फिर किसी का भी हो सकता है, और जो किसी का है वो पर्टिकुलर किसी का है ही नहीं, उसको तो अपना स्वार्थ दिखेगा ना। तो इस तरह की क्रियाएं क्या होती हैं? इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरह की क्रियाएं जो हैं समाज को नुकसान पहुंचाती है। तो सरकार और संविधान बनाने वाले कभी नहीं चाहते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं हों, हाँ, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज में एक नकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। तो वही वो बोल रहा है कि ये दल दोनों हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आए। बहुत लोगों को देखिए घर का कलर भी सरकार के अनुसार चेंज होता है ना, तो ऐसा थोड़ा होता है कि नहीं घर का कलर चेंज होता है, वो मानसिकता बस लाभ कमाने की इच्छा है। कोई ऐसा जरूरी हो कि हमको आरएसएस से प्रेम है, बस हमको आरएसएस को एक्सप्लॉइट करना है, वो हिट चल रही है तो उसके साथ हम जुड़ जाएं। तो वहाँ पर ऐसे लोगों की निष्ठा जो होती है वो गड़बड़ होती है, और निष्ठा जब किसी चीज़ की नहीं होगी तो काम फिर अच्छा नहीं होगा। हाँ, देख लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने पार्टी बदली, बिहार में एमपी में सरकार अनिश्चित अस्थिर हुई। तो दल बदलों से दिक्कत होती है ना, दल बदलों से दिक्कत होती है। हाँ, तो आजकल ना कुछ लोग विवाह के बाद घर भी बदल देते हैं, ससुराल वाले ज़्यादा हिट हो जा रहे हैं, लेकिन ये समाज के लिए हितकारी कदम नहीं है ना, घर तो घर ही है ना। ससुराल वालों से तो इसलिए भी बच के रहना है कि उनका तो नाम भी लिया जाता है तो गालियाँ दिया जाता है, कह रहे साले। तो उनसे जब बताइए संबंध ऐसा है कि गाली दिया जाता है तो थोड़ा दूर रहिए, बच के रहिए। घर में सुविधाएं नहीं है उससे क्या मतलब है? घर है ना, बहुत जगहों पे सुविधाएं हैं, घर ही नहीं। तो दल बदलने की जरूरत नहीं, जो है उसी में सुधार की गुंजाइश है ना। अटल जी 30-40 साल विपक्ष में नहीं रहे, फिर प्रधानमंत्री भी बने, पितामह तो उसी में रह गए। हाँ, गाड़ी का झंडा कुछ लोगों का उस सरकार के अनुसार बदलता है, उनकी कोई निष्ठा, तो ऐसे लोगों की निष्ठा सरकार चलाने में थोड़ी होगी।
ऐसे लोगों की सरकार निष्ठा क्या है, आटा बेचिए, तेल बेचिए ना, सरकार में जाइए तो बालुओं बेचने लगी, तो उनका कोई दल नहीं है, वो दलदल वाले हैं, दल उनका है ही नहीं, दल की जगह पे वो दलदल वाले हैं। तो दलदल में वो बस अपने को नहीं फंसाते हैं ना, दलदल में तो समाज को भी फंसाते हैं, दलदल में सरकार को भी फंसाते हैं। तो अस्थिर चित्त के लोग किसी भी तरह से घर परिवार से लेकर के समाज और देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सरकार ने भी पहले 1985 में नियम बनाया, सरकार ने भी 85 में नियम बनाया, फिर 2002-03 में नियम बना। पहले के नियम में थोड़ा सा लूप होल्स थे, तो फिर से उसको सुधारा गया। तो ये क्या है, ये एक मानसिक विकार है। वो ऐसे लोगों का समूह है जो स्वार्थ के पीछे पागल हुआ रहता है। तो लाभ के लिए तो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं, हम भी लाभ चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहेंगे कि हम खूब पढ़ा दें, मेहनत करा दें, ताकि आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाए और आपको नौकरी मिल जाए। तो फिर आप सोचेंगे कि आपकी कोचिंग आप लोगों की बढ़ जाएगी, तो ठीक है, जिससे सबका भलाई हो जाए तो उसको तो लाभ ही कहते हैं ना, उसको तो हित ही कहेंगे। हम तो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम ले रहे हैं पैसा, आपसे पढ़ाएंगे नहीं, ना के बिना मतलब का लफाजी करें ना, रोज आकर के एक बार बताएं कि हम तो आपका ऐसा कर देंगे, हम तो आपका वैसा कर देंगे, और 3-4 महीना के बाद क्या होगा कि ऐसा का वैसा हो जाएगा। कभी इस पर चर्चा नहीं होती, बस चर्चा सीधे आएगी हम लोग पढ़ाई, पढ़ाई पे चर्चा हो गई। तो ये क्या है, एक मानसिक विकार है। तो उस मानसिक विकार और उस विचार की प्रक्रिया और ऐसे लोगों से समाज को बचने का प्रयास, वैसे लोगों को राजनीति में बचाने का जो प्रयास है, वो राजनीति में बचाने का जो प्रयास है, वही दल बदल है। बाकी तो आप लोग हिंदी वाले हैं और साहित्य है, साहित्य का दिमाग है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रेमचंद ने ऐसा क्यों कहा कि जो एक का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। रामविलास पासवान जी थे, अब तो नहीं रहे, और वो हमेशा उस सरकार का भाग हुआ करते थे जो सरकार में होती थी, या हर उस पार्टी का भाग होते थे जो सरकार में, कांग्रेस थी तो कांग्रेस, भाजपा थी तो भाजपा, कांग्रेस थी तो कांग्रेस और भाजपा थी तो भाजपा। तो इसीलिए जीवन में भी मौका है तो घर परिवार के पक्ष में आप खड़े होइए। दल हो सकता है कि उसमें सुविधाएं नहीं हो, सुविधाएं कम भी हो, बहुत सी चीज़ों का सुकून होता है ना, अपना शांति होती है, वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हर जगह पे देखिए, परिवार से लेकर के और पूरा राजनीति में दल बदलों की भरमार हो गई है। वो कुछ नहीं करते हैं, बस विखंडन की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं, घर परिवार तोड़ेंगे, नेशन तोड़ेंगे, राष्ट्र तोड़ेंगे, निष्ठा उनकी किसी से है ही नहीं, तो बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, उन हम लोगों को उनसे नहीं मतलब, वो कहीं के नहीं रहते हैं, लेकिन वो हमारे आप जैसे लोगों के लिए काफी समस्या तो क्रिएट कर देते हैं, हमारे लिए, आपके लिए, सरकार के लिए। वो तो जैसे हैं, उनका होना ही चाहिए कि वो कहीं के नहीं रहे, लेकिन उस चक्कर में फिर हम लोगों में भी आपस में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं ना, घर में, परिवार में, समाज में, राजनीति में, सरकार के अस्थायित्व पर। वो तो जैसे हैं उनको वैसा फल मिलना ही चाहिए, लेकिन उस बीच में प्रक्रिया में काफ़ी चीज़ों को विकृत कर देते हैं। आप इलाहाबाद की ही राजनीति में देख लीजिए, कुछ लोग हैं, नाम लेना तो उचित नहीं है, वो ऐसा नहीं कि किसी पार्टी में नहीं रहे हैं, सपा में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, कांग्रेस आई थिंक रहे हैं कि नहीं, तो ये तो नहीं मुझको मालूम है, लेकिन सपा बसपा तो मुझको मालूम है, निर्दलीय भी रहे हैं, नहीं भाजपा के साथ मंत्री भी हैं। तो निष्ठा, आप ऐसे लोगों की निष्ठा पर थोड़ा सा शक होता है। बावनवा और 91वां रिपीट करते हैं, 52वां में ये कहा गया कि दल बदल होगा, लेकिन मान लीजिए आपके पास 60 सीट है तो 20 लोग से ज्यादा करेंगे तभी दल बदल होगा, अगर 20 से कम करेंगे, जैसे 19 लोग दल बदलेंगे तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। यानी जब जाएंगे आप लोग तो कम से कम 1/3 साथ में जाइए। 91वां में ये कहा गया कि किसी भी स्थिति में जाएंगे, जिसे चुनाव लड़े हैं और उसके साथ अगर जाएंगे आप, तो सदस्यता आपकी क्या हो जाएगी, सदस्यता आपकी समाप्त हो जाएगी। वो अगला 6 महीने तक किसी भी महत्वपूर्ण पद पर आपको रखा
नहीं जाएगा। उसमें किसी को आनंद नहीं आ सकता है, उसमें हो सकता है सुख उसको कुछ समय का मिले। आनंद तो सुख दुख से परे की स्थिति है। आप लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं कि मैं ज्यादा बोलना भी उचित नहीं लगता है, लेकिन आनंद और सुख में तो बहुत अंतर है ना। आनंद तो सुख दुख से परे की स्थिति है। तो स्वार्थी लोगों को आनंद किसी काम में आ ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। जो हितैषी हैं वही आनंद को प्राप्त करेंगे। समरसता सबको कहाँ मिलती है? समरसता जो है वो सबको नहीं प्राप्त होगी। जो स्वार्थी हैं उनको तो समरस कभी होना ही नहीं है। चलिए आप लोगों को थोड़ा मैं मान के चलता हूँ कि बहुत समझदार है, इसलिए थोड़ी मोड़ी कभी कभी बातें हो जाती हैं। उसको आपको इस रूप में नहीं लेना है कि क्लास डिस्टर्ब होती है। क्लास के संदर्भ में ही बातें होती हैं और पढ़ाई लिखाई भी जीवन जगत को तैयार करने का एक माध्यम है, इसलिए थोड़ी सी कभी कभी बातें हो जाती हैं। फिर भी मूल उद्देश्य हम लोग का पढ़ना लिखना ही है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता। ये आर्टिकल पूछ लेता है कभी कभी ये, और ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। बाकी कुछ ज़्यादा इसमें टिपिकल आपका नहीं आता है। ग्रुप मैंने बना दिया है, 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। ग्रुप मैंने बना दिया है आपका। इस ग्रुप में मैंने कल पढ़ाए हुए भाषा से संबंधित 29 क्वेश्चंस मैंने भेजे थे, और किसी एक बच्चे ने बहुत किया था, अच्छा किया था। आंसर जो है वो उन्होंने आंसर पूरा करके दिया था, ये बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। मैं खाली समय में इसका आंसर भी एक प्रति भेज दूंगा, और आज वाली पढ़ाई का मैं कॉपी भी भेज दूंगा, ठीक है। आज वाले का मैं क्वेश्चंस भी आपको भेज दूंगा, फिर समय मिलेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस आपका जीएस का भी भेजना शुरू कर दूंगा। जीएस का मतलब करेंट का, करेंट अफेयर्स का, ठीक है। करेंट अफेयर्स का मैं आपको भेजना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए। जो लोगों का ऐड नहीं हुआ है आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे। ये फोन नंबर 9452 9452 7 8 9 7 1 4, ये पूरा इस पर आप कर दीजिएगा। हो गया होगा अर्चना जी, मिस हो गया होगा, मैं आज आपको कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस रोज करते जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए कल फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, कल फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार सब लोगों को, कल से फिर हम लोग की क्लास होगी, साधारण तरीके से क्लास और बेहतर के लिए प्रयास, और स्वार्थ से परे और हित की ओर, इसी लक्ष्य के साथ कल हम लोग फिर क्लास करेंगे।